हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पाई इक्वल टू 3.14। देखो हमें क्या गिवन है, इन ए फिगर ए स्क्वायर, हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर देखो क्या है हमारे पास, ओ ए बी सी, हमारे पास स्क्वायर क्या है, ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। और क्या इंस्क्राइब किया जाता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा बना, ओ पी बी क्यू। देखो ये क्वाड्रेंट की शेप है ना आपके पास, पहले एक स्क्वायर बनाया गया फिर इंस्क्राइब किया गया, क्या क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या आपके पास, ओ पी बी क्यू। इफ ओ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, 20 सेंटीमीटर, क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमने ये शेडेड रीजन निकालना है, हमने ये क्या निकालना है, शेडेड रीजन। समझो बच्चों, इसमें बाहर क्या बन रहा है, मैंने हमेशा आपको कहा जब भी आपको शेडेड पार्ट देखना, शेडेड पार्ट का है ये और ये है हमारे पास शेडेड पार्ट, तो हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास देखो ऐसे हमारे पास ये ऐसे क्या है मेरे पास, क्वाड्रेंट है हमारे पास, और इसके अंदर क्या इंस्क्राइब हो रहा है, स्क्वायर, और हमने ये पार्ट निकालना है शेडेड। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों, क्योंकि क्या है स्क्वायर, जो भी शेप आपको नजर आती है बाहर क्वाड्रेंट बन रहा है और अंदर क्या बन रहा है आपके पास, स्क्वायर, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, शेडेड पार्ट। देखो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट, इसमें से अगर मैं इतना हिस्सा कट कर देती हूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, शेडेड रीजन। तो हमने ऐसे ही करना, बट उसके लिए हमें क्वाड्रेंट की पता होनी चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए, हमें क्वाड्रेंट की रेडियस पता होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन थे बच्चे आपके पास, हमें स्क्वायर, हमें सर्कल की रेडियस पता थी, उससे हमने क्या निकाली थी, साइड निकाली थी स्क्वायर की। तो हमने कैसे निकाली थी, जितने भी हमारे डिजाइनिंग थे वो कितने थे, 3 थे, वन साइड 3 मल्टीप्लाई क्या किया था हमने, डायामीटर, तो हमने उससे स्क्वायर की साइड फाइंड आउट की थी। बट इस केस में हमें स्क्वायर की साइड पता है, हमने क्या निकाली है, रेडियस। तो देखो बच्चे ये स्क्वायर आपके पास, ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, हर एंगल स्क्वायर का कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल। देखो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ऐसे, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, तो इसमें क्या अप्लाई हो जाएगी, पाइथागोरस। राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में क्या अप्लाई हो जाएगी, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस हमारे पास बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये। तो ऐसे ही सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है, जो भी दो चीजें हमने क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है और स्क्वायर, उसके लिए बच्चे हमें दोनों की साइड्स पता होनी चाहिए, क्वाड्रेंट की तो रेडियस पता होनी चाहिए और स्क्वायर की साइड। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ओ बी। देखो ये क्या है क्वाड्रेंट की, हमारे पास क्या है, रेडियस, या ऐसे भी ये रेडियस होते हैं, पर ये कंप्लीट पता होनी चाहिए स्क्वायर, यहाँ तक पता है हमें, क्लियर है बच्चों। और ये भी हमारे पास ओ पी भी क्या होती है, एक रेडियस, ओ क्यू भी क्या हमारे पास, रेडियस, इसलिए हमने बीच में से भी क्या होती है, रेडियस, इसलिए बीच की निकाल लेते हैं हम, तो रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। और ये रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ओ बी इक्वल टू रूट के अंदर क्या होगा हमारे पास, आपके पास फॉर्मूला ये होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इधर समझना बच्चे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितने आपके पास, ओबी का स्क्वायर, बी कितने आपके पास, बेस कितने, ओए का स्क्वायर, पी कितने आपके पास, एबी का स्क्वायर।
ओबी का स्क्वायर, ओए कितने आपके पास 20 का स्क्वायर, एबी कितने आपके पास 20 का स्क्वायर, ओबी ये स्क्वायर आपके पास इक्वल किस साइड किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर तो कितना हो गया हमारे पास 400 प्लस में 400 तो कितना हो गया 800, 800 को कैसे लिख सकते हो आप, ब्रेक करो उसको, 4 मल्टीप्लाई 100, देखो 4 4 मल्टीप्लाई 400, ऐसे ही हम 4 मल्टीप्लाई ऐसे ब्रेक कर लो उसको छोटे में, देखो हमारे पास क्या निकलता है 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई में 100। क्लियर हुआ बच्चों, क्योंकि 8 और 4 को ब्रेक कर ले कितना है आपके पास 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, तो 4 का रूट कितना होता है आपके पास 2, 2 का रूट नहीं होता 100, का रूट कितना होता है आपके पास 10, तो अंदर हमारे पास कितना रह गया है 2, तो इसलिए देखो बच्चों इन पर ऐसे ही किया, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, आप 20 कॉमन लेके भी कर सकते हो, 1 प्लस 1 कॉमन लेके, बच्चों देखो कैसे करोगे, यहाँ पर आपके पास 20 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 20 का स्क्वायर इसके पास भी है, 20 का स्क्वायर इसके पास भी है, क्लियर हो गया आपके पास, तो अंदर कितना रह गया 1 प्लस 1, तो 20 जब स्क्वायर से रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 22, ऐसे भी कर सकते हो, और जिस बच्चे को ऐसे डायरेक्ट नहीं आता तो ऐसे भी सॉल्व करके कर सकता है, तो कितना आ गया हमारे पास 20√2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई रेडियस। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला कितना होता है 1/4 πr² 1/4 π की वैल्यू मेंशन है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितने 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/4 3 पॉइंट हटाया नीचे क्या लगे 100, 20 का स्क्वायर किया तो कितना आया 400, √2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 2, और बच्चे हमेशा यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर एक का स्क्वायर करते हैं, जितनी भी टर्म है सबका स्क्वायर आपने करना है अगर वो मल्टीप्लाई में है, तो 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, तो कटिंग की हमने 4 देखो 0 से 0 कैंसिल आउट 4 से 4 क्लियर, तो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, और बाहर हमारे पास क्या है क्वाड्रेंट, अंदर क्या हमारे पास स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितने आपके पास 628, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 400, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आंसर आया बच्चों 228। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।